दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास एक 14 इंच का टीवी है जो फिलिप्स का टीवी है, लेकिन दोस्तों इसका अंदर फिलिप्स का किट नहीं है, ये लोकल मेड का किट लगाया हुआ है। दोस्तों इसका प्रॉब्लम आज दिखाऊँगा, सोल्यूशन करके भी बताऊँगा और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को खोल लेता हूँ। खोलने से पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को फॉल्ट दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं टीवी को लाइन दे चुका हूँ, जो हमारा पावर कॉर्ड कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद दोस्तों आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो हमारा पावर इंडिकेटर है वो पावर इंडिकेटर जल रहा है। आप लोग देखिए अंदर में हमारा पावर इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं है और जो हमारा स्क्रीन पे लाइट आना चाहिए, जो पिक्चर आना चाहिए, वो भी नहीं है। उसके लिए दोस्तों मैं टीवी को खोल लेता हूँ, खोलने से पता चलेगा इसका प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। ठीक है, मैं टीवी को खोल लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा CRT ट्यूब, ये रहा हमारा PCB जो हमारा लोकल किट है। दोस्तों ये नया वाला किट है, कुछ दिन ही पहले मैं इसको फिटिंग करके दिया था कस्टमर को, लेकिन दोस्तों हमारा पास फिर से आ गया है ये बोर्ड, ये PCB आ गया है। आने के बाद मैं देखता हूँ क्या इसका प्रॉब्लम है, जो हमारा TV स्टार्टिंग नहीं है। मैं पावर कोड को इन करने के बाद हमारा तो इंडिकेटर जो जलना चाहिए वो जल रहा है, लेकिन ये TV स्टार्टिंग नहीं ले रहा है। जो हमारा वोल्टेज का जो हमारा सिस्टम है वो स्टैंड बाई मूड में है। जो मैं स्टैंड बाई मूड से रिलीज करने की कोशिश करता हूँ तो भी हमारा TV स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है। वो जो पावर है, पावर सेक्शन, हमारा पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन पे जो हमारा 110 वोल्ट आना चाहिए वो वाला वोल्टेज देखिए हमारा 84 आ रहा है, जो हमारा 27 के जगह पे 19 आ रहा है, और ये वाला जो हमारा 12 वोल्ट के जगह पे 8 वोल्ट आ रहा है, और जो हमारा 14 वोल्ट के जगह में 12 वोल्ट आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा TV स्टैंड बाई मूड पे है, जो स्टैंड बाई मूड पे होने के कारण हमारा TV को रनिंग नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या करता हूँ दोस्तों, ये जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम होता है, रेगुलेटर सिस्टम हमारा स्टैंड बाई मूड को कंट्रोल करता है। जो हमारा मेन आईसी का जो पावर से पावर होता है, पावर पिन होता है, वो पावर पिन से हमारा रेगुलेटिंग करके हमारा ये वाला पावर सप्लाई को ऑन करता है। इसके लिए दोस्तों देखिए हमारा TV जो है वो इस पे वाले पिन पे हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, और दोस्तों इस वाले पिन पे हमारा 8 वोल्ट आना चाहिए था, लेकिन इस वाला 8 वोल्ट भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, TV को रिमोट से ऑन करने की कोशिश करता हूँ। TV को ऑन करने के लिए कोशिश करता हूँ तो हमारा TV पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज देखिए हमारा ये वाला पिन पे हमारा 8 वोल्ट आना चाहिए था, अभी तक हमारा 8 वोल्ट नहीं आया। मतलब दोस्तों हमारा TV स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, स्टैंड बाई मूड में अभी तक है। उसके लिए क्या करूँगा, आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा मेन आईसी का जो हमारा पावर पिन, हमारा ये वाला आईसी पे जो हमारा ये वाला आईसी को दिखा देता हूँ। ये वाला आईसी देखिए 8859 का, ये वाला आईसी का हमारा स्टैंड बाई पिन जो पावर पिन होता है, वो वाला पिन हमारा लास्ट वाला जो पिन है 64 जो हमारा पिन नंबर है, इस वाला पिन हमारा स्टैंड बाई मूड का है। ये वाला स्टैंड बाई सिस्टम के लिए काम करता है, स्विचिंग करता है, तो TV स्टार्टिंग होता है, ऑफ होता है, जो हमारा स्टैंड बाई सेक्शन का काम करवाता है। उसके बाद दोस्तों आता है इस वाला पॉइंट पे, जो हमारा इस वाला रेगुलेटिंग सिस्टम के काम करवाता है, जो हमारा स्विचिंग के लिए ये वाला ट्रांजिस्टर दिया गया है, ये स्विचिंग काम करता है, जो हमारा ऑन ऑफ को, जो स्टैंड बाई सेक्शन को 8 वोल्ट 5 वोल्ट जो होता है 8 वोल्ट 5 वोल्ट को रिलीज ऑफ ऑन करने के लिए। उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, पहले ये वाला जो हमारा आईसी का जो पिन है, इस पिन को मैं क्या करूँगा, ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं देखूँगा हमारा 8 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। उसके लिए मैं इस पिन को ओपन कर देता हूँ।
दोस्तों मैंने क्या किया, इस वाला जो हमारा लास्ट वाला जो पिन है 64 नंबर पिन, इस पिन को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद मैं दिखाता हूँ, ये वाला पिन मैं ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद मैं टीवी को एसी पे कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट कर देने के बाद मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा जो हमारा 5 वोल्ट 8 वोल्ट मिसिंग था वो वाला सिस्टम हमारा रिलीज होता है कि नहीं। दोस्तों देखिए, इस वाला पिन पे हमारा आ रहा है 29 और हमारा आईसी पिन पे आ रहा है 23। जो हमारा पीसीबी का जो फॉयल है, फॉयल पे हमारा आ रहा है 29 और हमारा मेन आईसी पे जो पिन है 64 पिन है वो पिन पे आ रहा है 22.2। ये वाला वोल्टेज 2.9 और 22.2 आ रहा है। और दोस्तों अभी तक हमारा सिस्टम का जो स्टैंड बाय रिलीज होना चाहिए वो स्टैंड बाय अभी तक रिलीज नहीं है। मैं क्या करूँगा, फिर से इस वाले पिन पे छोड़ के मैं क्या करूँगा, एक वायर ले लूँगा। ये वाला पिन हमारा जब 2.2 देता है तब ये स्टैंड बाय मोड को काम करवाता है। जब ये स्विचिंग करके ये ग्राउंड कर देता है, जो वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है, तब ये सिस्टम चालू होता है 8 वोल्ट 5 वोल्ट तैयार करने के लिए। मैं क्या करूँगा, एक वायर लूँगा, वायर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दूँगा। ग्राउंड से कनेक्ट कर देने के बाद मैं क्या करूँगा, इस वाला जो पिन है हमारा स्विचिंग करने के पिन, इस पिन को मैं ग्राउंड करूँगा। ग्राउंड करने से देखूँगा हमारा सिस्टम का जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों देखिए, इस वाला पिन को जो मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर चुका हूँ और ये वाला पिन को मैं 64 पिन पे कनेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद मैं टीवी को कनेक्ट कर दूंगा एसी पे। कनेक्ट कर देने के बाद मैं फिर से चेक करूंगा जो हमारा 8 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए वो वाला वोल्टेज आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा 8.7 आ रहा है। जो हमारा ट्यूनर सेक्शन पे हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए वो देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारा टीवी पे अभी तक पिक्चर नहीं आएगा, टीवी अभी तक स्टैंड बाय मोड पे है। जो हमारा आईसी तो हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन वर्टिकल सेक्शन को रनिंग कर दिया है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जो हमारा स्क्रीन का जो पीसेट है वो पीसेट को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो हमारा रिट्रेस लाइन आ रहा है। मतलब हमारा टीवी पे वर्टिकल सेक्शन हॉरिजेंटल सेक्शन चालू हो चुका है हमारा 5 वोल्ट 8 वोल्ट मिलने से। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमारा आईसी स्टैंड बाय मोड पे है, इसीलिए मेरा जो आरजीबी होता है वो आरजीबी अभी तक चालू नहीं हो रहा है। तो अभी तक चालू नहीं है, इसीलिए हमारा टीवी पे ब्लैक स्क्रीन आ रहा है और हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं है। जब मैं पीसेट को बढ़ाता हूँ तो हमारा रिट्रेस लाइन आ जाता है। उसके लिए ये वाला प्रॉब्लम मैं चेक करके देखा हूँ पहले। ये वाला मेन आईसी हमारा सिस्टम काम करवाता है। जो इप्रोम आईसी हमारा ख़राब हो जाने से भी ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। उसके पहले कुछ कुछ चीज़ को अच्छी तरह से चेक करना होता है। जो हमारा इस वाला पिन से हमारा 64 वाला जो पिन होता है वो पावर पिन होता है, वो पावर पिन से हमारा इस वाला पिन पे ये वाला ट्रांजिस्टर जो होता है, ये हमारा पिन का ट्रांजिस्टर का नंबर है जो 1815 का ये वाला ट्रांजिस्टर दिया गया है। इस ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो जाने से भी ये वाला प्रॉब्लम होता है। दोस्तों पहले ये वाला ट्रांजिस्टर को खोल के चेक करना, चेक करने के बाद आप लोगों को सही लगेगा तो लगा देना, नहीं तो नया वाला रिप्लेस करके भी लगा देना। कभी कभी क्या होता है, ये वाला ट्रांजिस्टर सही रहता है हमारा मीटर पे, लेकिन ये वाला ट्रांजिस्टर काम नहीं करता। ये वाला ट्रांजिस्टर जब तक हमारा काम नहीं, स्विचिंग नहीं करेगा तो हमारा ये वाला पावर सेक्शन का जो है वो स्टार्टिंग नहीं होगा। जो रेगुलेटर सिस्टम है स्टार्टिंग नहीं होगा तो हमारा सिस्टम चालू नहीं होगा। सिस्टम आईसी हमारा तो मैं आप ही तो देखा देता हूँ। जो हमारा ग्राउंड से मैं कनेक्ट करने के बाद हमारा 8 वोल्ट 5 वोल्ट बनना शुरू हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो हमारा 8 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है मतलब हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा ये वाला जो हमारा इप्रोम आईसी है, इप्रोम आईसी पे जो हमारा HCL HDA जो काम करवाता है वो वाला सिस्टम भी काम नहीं करेगा। जो वोल्टेज मिसिंग हो जाएगा तो ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है।
दोस्तों मैं जो बता रहा था, इस वाला जो पिन है, इस वाला पिन पे हमारा 5 वोल्ट आता है जो स्टार्टिंग करने के लिए, जो हमारा पावर कॉर्ड को इन करने के बाद ही हमारा ये वाला पिन पे हमारा 5 वोल्ट आ जाता है। उसके बाद दोस्तों इस वाला 5 वोल्ट से दो रेजिस्टेंस दे के हमारा ये वाला एसएल एसडी को काम करवाता है। जो इस वाला पिन पे भी हमारा 5 वोल्ट होगा, 4.5 होगा, इसी वाला वोल्टेज सेमी दो पिन पे सेम वोल्टेज होगा, उसके बाद ही हमारा टीवी चालू होगा। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ सिस्टम पे मैं क्या देखता हूँ, जो दोस्तों मैं जो बता रहा था, इस वाला पिन पे मैं पावर को कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद इस वाला पिन पे देखिए हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, और जो दूसरा वाला जो एसएलएसडी जो पिन है, ये वाला पिन पे भी हमारा 4.9 आ रहा है, और जो हमारा ईप्रोम आईसी को स्टार्ट चालू करने के लिए हमारा 5.1 जो वोल्टेज होता है, वो रनिंग जो टीवी स्टार्टिंग करने से ही आता है, ये वाला 5 वोल्ट ये वाला ईप्रोम पे आ रहा है। लेकिन दोस्तों तभी भी मैं जब टीवी को रिलीज करने की कोशिश करता हूँ, स्टैंड बाई को रिलीज करने की कोशिश करता हूँ रिमोट से, तब भी हमारा टीवी पे चालू स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। मतलब हमारा जो इस वाला पिन पे देखिए हमारा 2.9 है, ए वाला वोल्टेज हमारा जब तक ग्राउंड से हमारा कनेक्टेड नहीं होगा, तब तक हमारा टीवी स्टार्टिंग नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों क्या करना है, ए वाला जो हमारा इप्रोम आईसी है, इप्रोम आईसी को मैं चेंज कर दूंगा। कभी कभी क्या होता है, सभी वोल्टेज सही रहने से भी ये वाला आईसी हमारा काम नहीं करता है, और काम नहीं करने से हमारा टीवी भी स्टार्टिंग स्टैंड बाय मोड में रहता है, स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं इप्रोम आईसी को चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इप्रोम आईसी को ओपन कर चुका हूँ। ये वाला हमारा इप्रोम आईसी था, जो इप्रोम आईसी का नंबर आप लोग देख सकते हैं, K20 2408 का। मैं एक इप्रोम लेऊंगा जो हमारा इसी नंबर का होगा, जो आप लोग देख सकते हैं 24C08N का। ये वाला इप्रोम आईसी को मैं इस वाला पिन पे कनेक्ट कर दूंगा, तो हमारा सिस्टम कैसे काम करता है आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इस वाला आईसी को बदले में मैं नया वाला आईसी लगा चुका हूँ। लगाने के बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद दोस्तों हमारा जो वोल्टेज का जो प्रॉब्लम था, वो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था, वो वाला इस वाला जो हमारा 64 पिन है, ये पिन पे देखिए हमारा जो वोल्टेज था 2.5 2.8 जो वोल्टेज था, वो वाला वोल्टेज देखिए 0 हो गया है। और दोस्तों देखिए हमारा टीवी पे भी पिक्चर आ चुका है, मतलब हमारा टीवी स्टार्टिंग हो चुका है। और स्टार्टिंग होने के बाद दोस्तों मैं इप्रोम आईसी को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला इप्रोम आईसी देखिए हमारा स्टार्टिंग होता है 5.1 5.2 जो वोल्टेज होता है। उसके बाद क्या होता है, जो एसीएल होता है देखिए हमारा 5.2, और एसडीए जो होता है 5.2। हमारा एसीएल एसडीए जो होता है वो दोनों वोल्टेज हमारा सेम रहना चाहिए, तो टीवी का जो डाटा शीट होता है, डाटा होता है, वो डाटा स्टार्ट रनिंग होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए इस वाला जो पिन है, ये वाला पिन पे हमारा 8 वोल्ट आना चाहिए, देखिए 8 वोल्ट आ चुका है। और इस वाले पिन पे हमारा आना चाहिए था हमारा 5 वोल्ट, देखिए हमारा 5.3 आ गया है। दोस्तों हमारा टीवी स्टार्टिंग हो चुका है। मैं उसके बाद क्या करता हूँ, टीवी को स्टैंड बाई मोड में भेज देता हूँ। भेज देने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस वाला जो 64 वाला जो पिन है, इस पिन पे देखिए हमारा 2.9 आ रहा है। मतलब जब भी टीवी स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा, तो इस वाला पिन पे हमारा 29 वोल्टेज आएगा। मैं जब टीवी को स्टार्टिंग कर दूंगा, स्टार्टिंग कर देने के बाद हमारा इस वाला पिन पे क्या होता है, हमारा 0 वोल्ट होना चाहिए, तभी ही टीवी स्टार्टिंग होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा टीवी चालू हो चुका है। ए बी लगाने से हमारा पिक्चर भी आ जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं ए बी कॉर्ड को कनेक्ट कर देने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ए बी कॉर्ड से कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद मैं टीवी पे देखिए अभी हमारा चैनल पे है, जो आगे आरएफ पे है। आरएफ पे होने के बाद मैं क्या करूँगा, ए वाला ए बी बटन से मैं ए बी को चेंज कर दूँगा।
एबी को चेंज कर देने से आप लोग देखिए हमारा जो पिक्चर आना चाहिए वो वाला पिक्चर आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा स्टैंड बाई सेक्शन का था, जो स्टैंड बाई सिस्टम को जो हमारा इप्रोम आईसी होता है, जो हमारा मेमोरी आईसी होता है, वो मेमोरी आईसी ठीक से SLHD काम नहीं कर रहा था, इसीलिए हमारा टीवी स्टैंड बाई मोड में था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकॉन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।